Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutul ehtiram sadr mehfil mehman e khususi यहाँ पे बैठे हुए हर फर्द, मैं आपको दिल की गहराइयों से आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। जो आज का ये उसके बारे में आपको हमारे आला अफसर जहाँ पे बैठे हैं बताएंगे, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे रोशनी है, इस प्रोग्राम का मकसद है हमारा बच्चा। आज हर कोई चाहता है मेरा बच्चा पढ़े, सरकार भी चाहती है मेरा बच्चा पढ़े, उस्ताद भी चाहते हैं, बच्चा भी चाहते हैं बच्चे पढ़े, मगर बच्चा फिर भी नहीं पढ़ता। हमें वो ढूंढना है, वो कमी कहाँ है। उस्ताद पेरेंट्स को दोषी ठहराते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो उस्ताद को दोषी ठहराते हैं। अभी हमारे सपेन साहब यहाँ पे बयान फरमा रहे थे, बहुत अच्छा बयान था उनका। जहां तक मैं समझता हूं, बच्चा उस्ताद और टीचर, बच्चा उस्ताद और मां बाप, जब तक ये तीनों ना मिलेंगे हमारा बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। सोशल मीडिया जो भी था, कुछ भी अपना काम कर रही थी मसरूफ थी, उनके बेटे ने वीडियो गेम निकाली तो उन्होंने वीडियो गेम शुरू कर ली। जो दूसरी मदर थी बेटे की, उसने क्या किया, अखबार उठाई और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे की छोटी छोटी बुक्स होती, कॉमिक्स की बुक्स होती ना, बच्चे ने बुक शुरू कर ली। वो जो मोबाइल देख रहे थे, थके ना, थोड़ा सर में दर्द हुआ ना, तब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने पूछा, बेन जी आपका बच्चा वीडियो गेम नहीं खेलता, तो उनका बड़ा बेहतरीन जवाब था। उन्होंने कहा, बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप करते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप कहते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, मैं ज्यादा ममता चोरा नहीं लूंगा। यहाँ पे हमारे सिरों के ताज यहाँ पे बैठे हैं, आज वो इसीलिए आए हैं, हम इस पॉलिसी के बारे में बताएंगे। हमने एक पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी बहुत बनी 1986 में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया, उसके बाद थोड़ा टाइम लग गया, 24 साल आते आते आज नई पॉलिसी आई। लेकिन हमने एक पॉलिसी बनानी है, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चा हो, हमने अपने दिल की एक पॉलिसी बनानी। मुझे हजरत उमर के दौर का एक वाक्य याद आ गया, मैं आपको वो सुना देता हूँ। कुछ लोग धूप में पानी मिलाते थे, आज भी मिलाते हैं, उस टाइम भी मिलाते थे। हजरत उमर ने ऐलान कर दिया कि कोई धूप में पानी नहीं मिलाएगा। वो रात को वो दौरे पे चले गए, चक्कर लगाते थे, क्या मेरी राय इस पे अमल करती है कि नहीं करती। उन्होंने देखा कि एक घर में माँ और बेटी की बहस चल रही थी। माँ बोलती थी बेटा पानी डाल लो, बेटी कहती थी नहीं, हजरत उमर ने मना फरमाया है पानी डालने से। माँ ने कहा, बेटी उमर कौन सा देख रहा है? बेटी का जवाब था, उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है। बेशक बेशक, अगर बच्चा पैदा किया है उसकी तरबियत की जिम्मेदारी हमारी, हम किसी दूसरे को दोषी ठहराएं तो गलत है। उसको अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम देनी हमारा काम है। उस्ताद और पेरेंट्स जब तक दोनों नहीं मिलेंगे, तब तक ये गाड़ी चलने वाली नहीं है। जितना मर्जी जोर लगा लो, जितनी मर्जी पॉलिसियां बन जाएं, एक दूसरे को दोषी ठहरा लो, लेकिन बात तभी बनेगी जब हम एक साथ मिलेंगे। तो मैं इन्हीं लफ्जों पे आपसे इजाजत चाहूंगा, और किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं माफी चाहूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ पे नकवी साहब बैठे हैं, इनको मालूम नहीं है, मेरे उस्ताद भी रहे जीएनबी में इस दौर में। तो मैं एक छोटा सा शेर सुनाऊंगा कि हमने सीखी है बुजुर्गों से फंदे शीशा गिरी, हमने सीखी है बुजुर्गों से फंदे शीशा गिरी, हम तो पत्थर को भी आईना बना देते हैं। खुदा हाफिज़।